इंटरेस्टिंग था। तो सर अंतिम परिवार से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कुछ तो आपको बताया होगा ना? नहीं, इसकी किसी कंडीशन में नहीं है अभी बात करने की, कंडीशन में नहीं है। शी इज़ ऑल्सो इन डिप्रेशन। बाकी जैसे ही आपको कोई अपडेट होती है तो बताते हैं। आज नहीं होगा क्रिमेशन, मे बी कल या परसों हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो आंटी हैं वो इंग्लैंड से आ रही हैं आपको ब्लैक, क्योंकि आपकी सर आप इधर भी जब भी वो रिलेशन में थी आप लगातार संपर्क में रहे, कभी डिप्रेशन में दिखी आपको कभी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा एक्सट्रीम साल की बेटी है, उसको क्या डिप्रेशन होगा? अच्छा रन कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस में लेके ये सारा कुछ किया गया। बाकी पुलिस प्रशासन जो भी कर रहा है हमें उसके विश्वास। आपको कोई साजिश नजर आती है इसके पीछे? आपको लगता है देखिए पुलिस काम कर रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा था कुछ? उसका फ़ोन जब आएगा बाहर उसमें सब कुछ पता लगेगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता, जो भी करेगा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। आपकी जब जब तुनिशा से बात हुई तो किस तरीके से बात हुई? कभी आपको अच्छे तरीके से बात होती थी? बहुत अच्छे तरीके से। लॉकडाउन में 1.5 साल मेरे पास में रही है, मेरी बेटी जैसी थी। तो सर ये जो मेकअप रूम में सुशांत के जाके सुसाइड करने की बात आ रही है, आपको लग रहा है कि वही कुछ मेकअप रूम में ऐसा हुआ है? ऐसे ही कुछ उनके बीच में कोई बात हुई है, जिससे वो 2 दिन पहले भी उसने ये कोशिश की है। उसने डॉक्टर को भी यही बोला कि मेरे से चीट हुआ है, मेरे से इन्होंने धोखा दिया है, मेरे को यूज़ किया गया है। ठीक है, शहजान के बारे में उसने अपने डॉक्टर से, अपनी मामा से ही बात की है। तो बाकी अब जो भी पुलिस करेगी हमें। एक एक्ट्रेस का बयान आया है कि शादी का दबाव बना रही थी। नहीं, तो वो शादी का दबाव नहीं, वो तो 19 साल की है, मैं वो 28 साल का है शहजान, जो मुझे सुनने में आया, मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ। लेकिन अब वो बता सकते हैं दोनों की क्या बात हुई है, उन दोनों के बीच में क्या कैसा है, क्या था क्या नहीं। आपको लग रहा है कि जो शहजान है वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है? वो छुपा रहा है सर, वो छुपा रहा है। उसकी इंटरोगेशन होगी, वो कस्टडी में जाएगा तो नेचुरली कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर आएंगी। ये भी बात सामने आई थी कि कुछ समय पहले एंग्जाइटी अटैक आया था। नहीं, एंग्जाइटी अटैक तो देखिए जो भी है वर्कलोड होता है, 12-13 घंटे का शिफ्ट होता है, ये तो नॉर्मली है यहाँ पर जो मैं देखता हूँ। वो तो कुछ ना कुछ किसी स्टेज पर आजकल कितना स्ट्रेस है वो तो है ही है, लेकिन इतना स्टेप कोई ले जाए बच्चा, मतलब इट्स हॉरिबल। आपने बताया कि आपके साथ नहीं, ब्रेकअप के लिए मुझे यहीं आके पता लगा, जो उनके फैमिली फ्रेंड्स हमसे पता लगा कि हाँ वो थोड़ी डिस्टर्ब थी 2 दिन से, भी ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन इतना नहीं पता था कि ये काम यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे वो इसी स्टेज में नहीं है अभी, वो तो कल से उसको कह रही है कि उसको लेके वो बीमार है, वो समझ नहीं आ रहा, उनको मेडिकेशन दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। इस कंडीशन में नहीं है कि आप कुछ भी बता पाए, जो भी होगा हम आपको। हॉस्पिटल कोई 1.5 साल तक रही हूँ, अपनी बातें भी आपसे शेयर करती हूँ, कभी उसने कुछ शेयर किया आपसे किसी? कुछ भी नहीं है ऐसा, नॉर्मल लाइफ जी रही थी वो अपनी, बुरी थी। और 20 साल का बच्चा, 12 साल से वो इंडस्ट्री में, 12 साल की थी जब से आ गई थी वो, तो क्या आपको पता ही है कितने उसने सीरियल्स किए हैं, कोस्टार उसके सारे आपको जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा ये भी बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है सुशांत, पूछताछ में लगातार स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसमें कहीं ना कुछ है? हाँ, अगर होगा तो छुपाने की कोशिश। नहीं, हम उसके लिए जाएंगे, जहाँ तक भी हम जाना जब पड़ेगा हम जाएंगे। जो भी इन्वॉल्व होगा, नहीं घर वालों का कोई इसमें इन्वॉल्व, धर्म को लेकर, धर्म को लेकर भी कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्सी कोई करूँ तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का, लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा मिलना चाहिए। माता जी कहाँ है उनकी? तुम्हें ऊपर ही हैं वो अभी, ठीक है, ठीक है। पोस्टमार्टम को लेकर कुछ बातचीत हो गया है, ठीक है, बाकी बाकी मैं आपको अपडेट कर दूँगा।